सिर्फ आप अपनी वालदा के साथ भी यहाँ पर आए, जहाँ से पिछले साल ये वाक्या हुआ आपके भाई शाहरुख के साथ, एग्जैक्टली हुआ क्या था? एग्जैक्टली उसका वलीमा था, मतलब शादी थी उसकी, नई नई ना वलीमा था उसका। तो मेरी सिस्टर थी, वो आई हुई थी अमेरिका से, तो यहाँ पे पेट उनका ख़राब था, तो वालदा को ड्राइवर के साथ भेजा हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल घर के पास ही। तो उनको कोई डायरिया का प्रॉब्लम था, तो वालदा मेरी जो है वो पुराने और नेचर की हैं, तो ड्रिप लगनी थी, तो उन्होंने ड्राइवर को कहा तुम जाओ मैं रक्षे में आ जाऊँगी। तो वो ड्राइवर को भेज दिया रक्षे में, ड्रिप व्रिप लगी, तो रक्षे में ये बैठ के आ रही थी घर की तरफ। तो कहीं रास्ते में उसने जो है सिस्टर मेरी जो सूट सोना पहना हुआ था उन्होंने, तो बस वो पीछे घर का इवेंट होता ना तो खवातीन अक्सर पहना रह जाता है, ऐसे कड़े हाँ। शरे वगैरह पहने रह जाते हैं। तो बस वो बाहर से आई हुई थी, उनको इतना, वो अमेरिका में रहती है, वो तो ऐसा, वहाँ तो आपको पता है बहुत चीज़ें जी सेफ बिल्कुल। होती हैं, ठीक है, और काफ़ी अर्से से वहाँ। तो बस वो फॉलो करता करता घर पे आ गया, मुझे बस वालदा को और जो रक्षे से जैसे उतरी थी उनको समझ ही नहीं आया। उसने आगे मेरी सिस्टर पर गन रख दी और बोला सोना उतार रहा था, इनको समझ नहीं आया, इन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दी। उसी दिन तफाक से उसकी तबीयत भी ख़राब थी शाहरुख की, बस वो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई भी थी। बस वो बाहर आया तो गैरती था, उसने देखा सिस्टर का हाथ पकड़ा हुआ था, बस उसने तो जंप लगाई, उसने उसमें फायर मार दिया, ट्रेन पुलिस ऑफिसर था वो, बस उसने मारा उसी वक्त में, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो फिर और उस शादी को एक दिन हुआ था। एक दिन हुआ था, मैं और ना बहुत पसंद से, बहुत शौक से, बहुत अच्छे लेवल पर उसकी शादी की थी, बहुत ज़्यादा शौक था उसकी शादी का। पता जहाँ से हम लोग ना वाकई में खबरें, जैसे मैं मेरे अपने घर वाले, हम अक्सर खबरों में देख रहे होते हैं कि जी एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ और यूँ। मेरे अपने घर में एक एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ और 15 साल हो गए उस एक्सीडेंट को, हम अभी तक उस एक्सीडेंट की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, जैसे हमारी माँ बैठते हैं। ये ऐसी खबरें जो होती हैं ना कि जी ये गोली चली, मतलब यंग लड़का था उसकी डेथ हो गई, ये हमारे लिए कुछ अर्से के लिए खबर होती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि अगलों की ज़िंदगी कितनी चेंज होगी एक उस वाक्य से। कल अब आप इनका फ़ोन आया इस वाक्य को दोबारा जब याद करके, तो मतलब कल रात से ऐसी तबीयत है कि मतलब पूरी रात आंखों में ही घूमता है अभी तक। और सबसे छोटा लाडला भाई था हमारा। कितना कुछ बदल गया उसके बाद से, जहाँ से हमने तो दो भाइयों के साथ शादी की थी, तो शादी की जो मूवी इंसान बार बार देखता है करता है, हमने मूवी भी बनी बनवाई कि बंदे को याद आता चीज़ें, बस फिर वालदा हैं, बस नहीं बता सकते आपको। तो आंटी, आंटी आप, मैं चाहूँगी कि आपके तो आपके लिए वैसे कितना मुश्किल था, मुझे पूछते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, और आंटी तो इतनी हिम्मत वाली हैं कि आंटी आके बैठी हुई यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आंटी आएंगी, लेकिन आंटी आपके लिए कितना मुश्किल था, बिकॉज ये सब आप तो ऐनी शाहिद है इसकी। बैठक से रोती रही, मैंने कहा मेरी जिंदगी नहीं है, औरंगजेब मैंने आप देखे, मैंने कितनी कितनी परेशानियाँ देखी, तो मुझे बोलते अम्मी आप परेशान नहीं हो, जो अच्छे बंदे होते हैं ना उनकी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि वो अल्लाह के पास फिर साफ सुथरे होके जाते हैं। मैंने बहुत, मेरा बच्चा छोटा मेरी गोदी का बख्शिश का वसीला बनेगा, देखिए माशाल्लाह से आपके बेटा हाफ़िज़े कुरान था, और आप सोचें कि जिसने कत्ल किया है उस पर कितना ज्यादा वो देखे, सिर्फ ये नहीं कि उसने एक कत्ल किया है, चूड़ियाँ भी हमने दे दी, चूड़ियाँ मेरी बेटी की दो उतार ली उसने, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए बैल बजाई कि हम लोग कोई काम वाली बाहर निकलेगी तो हम अंदर चले जाएंगे, तो वो काम वाली आने लगी तो उसको बोलता मेरे लिए चाय बनाओ, तो मैं खुद जाऊंगा अम्मी को मतलब बुलाने के लिए, क्योंकि वो अपनी बीवी को लेके उस दिन मैके जाना था उसको, खुशी खुशी निकला। यानी कि वली में से अगले दिन की बात है ये कि मैं अपनी बेगम को लेके जाऊंगा, तो मैं अपनी अम्मी की इजाज़त लूं और फिर मैं उसको लेके जाऊं, वो खुशी खुशी जैसे ही निकला था आगे जालिम खड़ा होता। जहाँ आपकी फैमिली तो ना विक्टम है बहुत बड़ी, ये जो हम बार बार स्ट्रीट क्राइम के वाले से बात करते हैं, आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं रुक रहे? मैम इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है, हमारी जो वारदात में तो पुलिस वाला शामिल था, उनके लिए सबसे इजी है कि पिस्टल हर गली कूचे में मिल रही है, पुलिस वाले के पास क्या फ़ायदा है, वो जा रहा है नाके पे भी रुकेगा, अपना पुलिस का कार्ड दिखाएगा, उसके ऊपर पिस्टल है। मैंने जो देखा है 65% जो
इन इलाकों में रहते हैं, उनका यही काम है, ठीक है। अब वो आप जब जिस जब तक ये असला बंद नहीं होगा, एक 5,000, 2,000, 10,000 की पिस्टल मिल जाती इजीली। जी बिल्कुल, और किराए पे भी मिलती कभी कभी तो। हाँ, मैं मुझ जैसा बिजनेसमैन आदमी पिस्टल लेके जाएगा, मुझे पुलिस पकड़े 5,000 सवाल करेगी। हाँ, कि लाइसेंस किधर है, फलां के गए, डीसी ऑफिस से बताए। एक आम आदमी पिस्टल बाइक पे लगाए घूम रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। जब तक आपकी स्नैप चेकिंग और ये पिस्टल जहाँ से बिक रहे हैं चीजें खत्म नहीं होंगी, तब तक आपकी क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हमारी पुलिस चाहे तो खुद अपने ऐसे जासूस रख के करके चीजें अच्छे अच्छे मोबाइल रख के अगर एनकाउंटर कर दिए जाए ना और खुली इनको इजाजत मिले तो आपकी देखें क्राइम कम हो जाएगा। ये शबाना जी क्यों कुछ अर्से पहले आपने देखा होगा कि लोगों ने जलाना शुरू कर दिया था, कुछ आज से 2-4 साल पहले की बात है, जब क्राइम ज्यादा हो गए थे, पब्लिक ने लोगों को जलाना शुरू कर दिया सब चीजें, उसके बाद डर गए थे। हाँ, लोग इतना गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए थे। शबाना जी ये चीज क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम गली कूचों में देखते हैं ये जो लड़के आके मगिंग करते हैं, इनको एक तो ड्रग्ड भी होते हैं ये, और जो उनको नशा देने वाला होता है वो उसको उन्होंने रखी होती है कि ठीक है तुम इतने पैसे अगर मुझे कमा के लाके दोगे तो मैं तुम्हें इतना नशा और दूंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एमर ऐसे ही हमने स्पेसिफिकली देखा है जितने भी केसेस हैं। ये क्या बहुत मुश्किल है इनको इनको लुक आफ्टर करना है, टेक केयर करना है चीज़ों की? देखें, दरअसल बात यह है कि जिस तरह ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं इनके पीछे भी वजूहत ये हैं कि आज रिफ्लेक्शन है। मुझे तो सबसे पहले मैं सलाम करती हूँ इतनी बा हिम्मत वालिदा को जिनके बेटे के साथ इतना बड़ा ये सानहा हुआ। अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए, पाक परवरदिगार इनके दिल को सुकून दे। और जो मैं कहती जो असल कातिल भी हैं वो भी कैफरे किरदार तक पहुँचे, एक शख्स नहीं होता, ये एक नेटवर्क होता है पूरा। देखें, सबसे पहले तो फिर मैं ये भी बता दूं कि हम भी इस सानिये से गुजरे हैं। मेरे हस्बैंड DSP थे, शहीद असगर डहरी, और उन्होंने अपनी शहादत दी इस हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे घर से एक कीमती सरबराह तो गया, मगर ये है कि उसके बदले में बहुत सी माएँ बहनें बेवा होने से बची, बहुत से बच्चे यतीम होने से बचे। 2008 में लाइव मुकाबला हुआ था दहशतगर्दों से, जिसमें मेरे हस्बैंड की शहादत हुई, जिसमें 5 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए थे, वासले जहन्नुम हुए थे। और इतना बड़ा असले का खेप बरामद किया गया था, पकड़ा गया था, कि वो कुछ दिनों के बाद ईद थी, वो ईद गाहों पे इस्तेमाल होना था। तो आप मुझे बताएं कि उससे कितना बड़ा नुकसान होता, कितना बड़ा। हाँ। तो इस बात पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक बेवा होने से, बहुत सी हमारी बेटियाँ माएँ बेवा होने से बच गई, बड़ी बात के, और बहुत सारे बच्चे यतीम होने से बच गए। आई एम सिंगल पेरेंट्स, मैंने अपनी बच्चियों की, जब उनके वालिद शहीद हुए तो मेरी बच्चियाँ 6 से 7 साल की। अब उस चीज़ को फिर पुलिस को ही लेकर हम मतलब अपने डिपार्टमेंट को ऑन करना, तो ये भी तो हमारा जज्बा है ना। मैं ये नहीं कहती कि देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, हर जगह बराबर नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास भी तो यही जज्बा है ना कि मैं अपने पाकिस्तान वालों की खिदमत करूँ, मैं उनकी जान और माल की इज्जत की हिफाजत करूँ। जो हमने एक हल्फ भी उठाया, जो हमारे अंदर एक जज्बा है, जो हम बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम वेरी प्राउड, आई एम पाकिस्तानी टू बी अ पाकिस्तानी, और मुझे भी ये भी फ़ख्र है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ऑन कर रही हूँ और मैं इसकी एक हिस्सा हूँ। और जहाँ तक जिसका मकसद ये कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, तो अहमद भाई हैं और हमारे जितने भी मीडिया पर्सन हैं उन्हें पता है कि मैंने अपने जितना भी है, जिस तरह मैंने वेमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी मैंने देखा है 2-3 साल से, और SHOs की सीट पे भी रही हूँ, FIA में भी मैं काम करके आई हूँ। लेकिन लेकिन तो जिस तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स पे कम्प्लीटली हमने काबू नहीं पाया है, मगर इसके रीज़न ये हैं। काबू पाया मुझे, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए बिल्कुल,